इनसे मुलाकात करने आई हूँ, मिलने आई हूँ। यहाँ से ही गुजर रही थी अपनी शूटिंग सेट पे जा रही थी तो बात हुई तो लगा मिलते हुए जाती हूँ और पहली बार यहाँ आई हूँ। बहुत रिश्ता पुराना है इस वजह से सोचा एक बार मिलते जाती हूँ। जब प्रिया सिंह जी इस बार मुखिया का चुनाव लड़ रही हैं जी और बहुत सारा काम किया इन्होंने, जैसे नाला बनवाना और बहुत सारे लोगों का आँख का ऑपरेशन करना है, ये सब काम, और इनके हस्बैंड विकास जी हैं उन्होंने, तो क्या विकास जी इंडस्ट्रीज में भी इसी टाइप से हैं जो अपने गांव के लिए कर रहे हैं? डेफिनेटली वो भी हमारे इंडस्ट्री में हर एक कलाकारों के लिए हमेशा लगे रहते हैं, तत्पर रहते हैं। उसी तरीके से उनकी वाइफ भी ये भी बेहद मिलनसार हैं और हमेशा लोगों का भला करने में लगी रहती है, तो ये दोनों का ही नेचर बहुत ही प्लस पॉइंट है और मुझे लगता है कि इन्हें और आगे बढ़ना चाहिए। विकास सिंह बीरप्पन से आपका रिलेशनशिप कैसा है? रिलेशनशिप कैसा संबंध है? अच्छा, कैसे आप जानते हैं? हाँ, बतौर इंडस्ट्री में मैं भी एक कलाकार हूँ और उनका भी हमेशा इंडस्ट्री में आना जाना है, काम करते हैं, बेहद वो भी इस्टेब्लिश्ड हैं, सारे कलाकारों की के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, इस वजह से मैं भी एक कलाकार के रूप में उनको जानती हूँ, बहुत अच्छे। आप आज यहाँ आने वाली, आपके आने से पहले बहुत सारे इस पंचायत के लोग आए थे और बहुत ही खुश थे, दो तीन वार्ड के पवड़िया टोला है और यहाँ दुलना भी है, तीन चार बहुत सारे वार्ड से लोग आए थे, बहुत खुश थे, क्या कहना चाहती है इस पंचायत के लोगों? मैं इस पंचायत के लोगों को, सभी लोगों को प्रणाम कहती हूँ और सबसे विनती भी करना चाहती हूँ कि इन्हें ढेर सारा प्यार दें और आशीर्वाद दें ताकि एक नए सफर में, एक नए मुकाम में अपनी पहचान बना सके और आप सभी लोगों के लिए अच्छा कर सके। अच्छा सिंह जी, ये पूछना चाहेंगे कि आप भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को कहाँ तक देखती हैं, किस नजर से देखती हैं? भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत बड़े लेवल पे अब बन चुकी है और मेरे ख्याल से हर दिन एक अलग मुकाम और एक अलग नाम बनाने में लगी है, होगा बहुत कुछ अच्छा होगा। ये बताइए कि अभी बहुत सारी खलबली मची हुई है, हर अभिनेता या अभिनेत्री एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप, पता नहीं, और अभिनेता अभिनेत्री किसी को हम नहीं जानते, हम अपने ही खलबली में व्यस्त हैं, अपने ही कामों में व्यस्त हैं, हम अपने ही उलझन में उलझे हैं, तो मुझे नहीं पता कि कौन क्या बवाल मचा रहा है, कौन किसकी क्या खलबली हो रही है, सो उस जगह जाना ही नहीं, और जिस जगह जाना नहीं उससे नाता रख के क्या मतलब। आज पटना में आपका कार्यक्रम होना था जी, क्या हुआ? आज पटना में कार्यक्रम होना था, बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण प्रशासन को शो कैंसिल करना पड़ा, बिकॉज उम्मीद से ज्यादा भीड़ आ गई थी और होता है ना ऐसे भीड़ भाड़ में, पब्लिक में एक दो ऐसे आपत्तिजनक टाइप के लोग आ जाते हैं और वो न्यूसेंस क्रिएट कर देते हैं, तो उसी तरीके के लोग थे जिन्होंने पथराव और ये सब किया, तो प्रशासन से बढ़ के तो हम लोग हैं, सरकार से भी बढ़ के नहीं है, जो उनका डिसीजन होगा अभी के समय में वो मेरे ख्याल से हम सबको पालन करना चाहिए जो हमने किया। आज आप बड़का गांव पंचायत में हुई हैं, वो भी विकास सिंह बीरप्पन के आवास पे आई हुई हैं, और 25 तारीख को भावी मुखिया प्रत्याशी प्रिया सिंह का बर्थडे भी है, अरे वाह, उस पर क्या कहना चाहिए? तो उन्हें मैं दिल से ढेरों शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे एडवांस में और ईश्वर आपको खूब सफलता दे। जो भी आया यहाँ अभिनेता, जो आपको समर सिंह है, अलीस अली खान है या आपके खेसारी लाल यादव हैं, कुछ ना कुछ करके गए इस पंचायत के लिए, आप आए हैं क्या कुछ करिए? जब इन्होंने मौका दिया, मुझे बुलाया, तो मैं जरूर करूंगी। क्या कुछ अपील करेंगी इस पंचायत की जनता से? ऑलरेडी कर चुकी हूँ।